नमस्कार, मैं शेफ महेश शर्मा। स्वागत है एक बार फिर आपका किचन फर्स्ट में। आज मैं हूँ व्हाट्सअप रेस्टोरेंट में। जी हाँ, आज मैं अपने स्टूडियो में नहीं हूँ, आज मैं हूँ जयपुर के एक बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट में, जो कि मल्टी क्यूजीन रेस्टोरेंट है। और मेरे साथ में है शेफ ताराचंद, जो कि बहुत ही फेमस शेफ़ हैं जयपुर के, और इनकी स्पेशलाइजेशन इनसे ही पूछते हैं। तो शेफ़ नमस्कार। नमस्कार सर, आप कहाँ के हैं शेफ? मैं हूँ जयपुर का। जयपुर के ही रहने वाले हैं, ये तो बड़ी खुशी की बात है। और यहाँ पे आप किस पोजीशन पे हैं? मैं एग्जीक्यूटिव शेफ हूँ। एग्जीक्यूटिव शेफ हैं। और आप किस कुजीन में, आपका स्पेशलाइजेशन है? मेरा इंडियन है। अच्छा, इंडियन। और इसके अलावा इंडियन के अलावा मैक्सिकन, इटालियन? अरे वाह। तो शेफ जो हैं बहुत ही फेमस शेफ हैं जयपुर के, और इनका खाना खाने के लिए ये रेस्टोरेंट जो है मचान ऊपर जो है वो बिल्कुल भरा रहता है। बहुत सुंदर और इनोवेटिव रेस्टोरेंट बनाया है इन्होंने। आप देखें तो ये यूरोपियन स्टाइल का एक वुडन स्ट्रक्चर का एक रेस्टोरेंट है, और मैं शेफ़ के साथ में बनाने जा रहा हूँ। तो शेफ़, सबसे पहली रेसिपी आप मुझे क्या सिखाने वाले हैं आज? शेफ़ आज बनाएंगे बंगाली डिश। बंगाली डिश, क्या नाम है डिश का शेफ? डिश का नाम है चमन कलिया। चमन कलियां शेफ बना रहे हैं। नाम से तो जाहिर होता है कि चमन मतलब एक बगीचा होता है, और जहां तक कि मेरी हिंदी की नॉलेज है, लेकिन ये बता रहे हैं कि ये बंगाली डिश है। तो बंगाली डिश ये बनाना शुरू करें शेफ, इसके लिए आपको क्या चीज़ चाहिए होगी सबसे पहले? सबसे पहले सर काजू चाहिए होंगे, बॉइल्ड काजू और प्याज। प्याज तो आप प्रोसेस शुरू करें शेफ। तो शेफ मैं आपको जो प्याज है वो काट के दे देता हूँ। डाइस ही काटने हैं ना शेफ इसके? बिल्कुल शेफ। बॉयल पानी कर लिया। बॉयल पानी कर लिया है। देन काजू, ये आपने थोड़े प्याज और काट रखे थे, इसी में मैंने मिक्स कर दिए हैं शेफ। इसके अलावा और कोई वेजिटेबल शेफ? काजू प्याज डाल दिए हैं। काजू और प्याज डाल दिए हैं बॉईल करने के लिए। इसमें थोड़ा नमक वगैरह कुछ डालेंगे? बिल्कुल सर। थोड़ा सॉल्ट डालेंगे। थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे। और शेफ इसको कितनी देर ग्रेवी में इसको बॉईल करते हैं शेफ? इसको 30 मिनट्स बॉईल करते हैं इसको। 30 मिनट्स। तो अब आप मेरे ख्याल में इसको कवर कर देते हैं। शेफ़ ने इसे कवर कर दिया है, करीब 30 मिनट तक बॉईल करेंगे। और शेफ़ आपने इसका ये बॉइलिंग प्रोसेस के बाद में क्या होता है, आप इसको मिक्सी मारेंगे? जी मिक्स करेंगे इसको। हाँ हाँ, ग्राइंडर से। अच्छा। इसका पेस्ट बनाएंगे काजू का। अच्छा, ये शेफ़ बॉईल हो गया है। बिल्कुल सर। चलिए अब इसे निकाल लेते हैं शेफ़ जी। इसका जो पानी है ये इसके साथ में ही पीसना है, और थोड़ा गाढ़ा रखना है इसको, थोड़ी गाढ़ी मतलब ज्यादा पतला नहीं होना चाहिए, पतला नहीं होना चाहिए, थिक ग्रेवी होनी चाहिए। चलिए तो ये जो है बॉईल होकर के प्याज और काजू का जो मिक्सचर है वो तैयार हो गया है। अब मैं इसे मेन किचन में भेज रहा हूँ पेस्ट होने के लिए। तो ये पेस्ट शेफ रेडी होके आया है। बिल्कुल सही हुआ है पेस्ट? बिल्कुल सर, ये रेडी होके आया है काजू और प्याज का पेस्ट। और अब तैयारी करते हैं इसकी सब्जी बनाने की। तो तैयार करें शेफ सबसे पहले ऑयल डालेंगे। लीजिए ऑयल, थोड़ा सा ऑयल लिया है शेफ ने। क्या डालेंगे शेफ अब? जिंजर गार्लिक का पेस्ट। सबसे पहले डालेंगे जिंजर गार्लिक का पेस्ट, जो कि शेफ ने पतला सा जिंजर गार्लिक का पेस्ट बनाया हुआ है।
और अब लेंगे शेफ ये ग्रेवी। ये शेफ जो इसका कलर है इस रेसिपी का, ये मतलब व्हाइट ही रहता है? व्हाइट ही रहेगा सर। ओके, एक्चुअली काजू का ही कलर व्हाइट होता है तो इसका कलर भी व्हाइट ही होना चाहिए। तो मतलब ये बंगाल में फेमस है, तो हमारे राजस्थान में भी ये डिश आपके रेस्टोरेंट में काफ़ी खाई जाती है? बिल्कुल सर। अच्छा, तो इसमें जैसे नॉर्मली ग्रेवी के अंदर खसखस मगज भी डालते हैं, लेकिन आप इसमें खाली काजू और प्याज डालते हैं? काजू का पेस्ट। लेकिन इसमें एक टेक्निकल चीज़ और भी पूछना चाहूँगा शेफ कि ये जब ग्रेवी फट जाती है जी, कभी हम मैंने सुना है कि वाइट ग्रेवी जो है थोड़ा फट जाती है, तो उससे किस तरीके से अपन उसको सही करते हैं जब यदि फट जाती है? तो फट जाती है तो उसमें सर अपन मैदा को रो कर सकते हैं हल्का सा। यदि ग्रेवी फट जाती है, टेम्परेचर ख़राब हो जाता है, क्योंकि हमेशा देखा गया है कि रेड ग्रेवी या वाइट ग्रेवी, इसमें थोड़ा सा कभी ग्रेवी फट सकती है, तो उसके लिए शेफ ने बताया है कि थोड़ा मैदा का रू जैसे बना करके थोड़ा पानी में घोल के यदि मैदा मिला दी जाए तो उसे वो वापस बाइंड कर लेती है। डालें शेफ, आप क्या डालेंगे? सॉल्ट डालिए। बहुत स्मूथ ग्रेवी है शेफ ये। थोड़ा सा सॉल्ट डाला है शेफ ने। ये क्या डाल रहे शेफ? ये गरम मसाला है, इंडियन गरम मसाले। डालो थोड़ा गरम मसाला डाला है शेफ ने इसमें, थोड़ा इंडियन गरम मसाला, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ी सी हल्दी पाउडर डाली है शेफ ने शेफ ये इसको ग्रेवी को कलर डालने के लिए, कलर करने के लिए कि थोड़ा सा येलोइश कलर आएगा। धनिया पाउडर, धनिया पाउडर। शेफ इसमें बिल्कुल भी चिली नहीं डालेंगे? चिली डालेंगे सर। कौन सी चिली डालेंगे शेफ? इसमें एक्चुअली जरा गरम मसाला ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो शेफ आज मेरा ट्विस्ट कर लीजिए, इसके अंदर थोड़ी सी है ना कि मीठी सब्जी हो जाएगी, और हम राजस्थान में हैं, बंगाली होने दीजिए, लेकिन थोड़ी सी आप हरी मिर्ची मेरे कहने पे डाल दीजिए इस रेसिपी में। और मैं क्या है कि ऐसे साबुत मिर्चियाँ ज़्यादा यूज़ करता हूँ अपनी रेसिपीज़ में। ये शेफ आप मेरा ट्विस्ट जो है शेफ महेश वाला, ये डालिए। ग्रीन चिली, ग्रीन चिली डाल दी है, बहुत अच्छा कलर आया है। अब डाल रहे हैं शेफ इसमें फ्रेश क्रीम और रिचनेस डालने के लिए ग्रेवी में। बहुत ही बढ़िया कलर, बहुत बढ़िया टेक्सचर। ग्रेवी को और ज़्यादा रिच करने के लिए शेफ इसमें डाल रहे हैं सॉफ्ट बटर। कमाल की स्मूथ ग्रेवी है, देखें आप, मन करेगा इसे खाने का। और अब क्या डालेंगे शेफ पनीर, इसमें पनीर डालेंगे, पनीर डालेंगे। पनीर शेफ इसमें ये कच्चा ही डालते हैं या अपन फ्राई करके भी डाल सकते हैं? दोनों ही डाल सकते हैं, पर एक्चुअली कच्चा ही डालते हैं। तो तैयार है, तैयार है शेफ ये रेसिपी? मैं तैयारी करता हूँ इसकी गार्निश करने की। आज मैंने टमाटर का जो है एक फैन बनाना है, क्योंकि हम इस ग्रेवी पे डालेंगे। और इसके अलावा शेफ इसमें नींबू डाल दिया जाए तो कैसा रहेगा? डाल देते हैं। डाल सकते हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल। शेफ ने कहा है नींबू डाल सकते हैं, तो मैंने इस नींबू का ये बनाया है फ्लैन। बहुत बनाना बहुत आसान है, देखें किस तरीके से। एक वेज काटिए और ये फैन तैयार है। शेफ तैयार है जी सर, इसको सर्व कर दें। सर्व करिए। बहुत सुंदर ग्रेवी, येलो कलर की, बहुत ही बढ़िया ग्रेवी बनी है, बहुत कलरफुल है। मतलब इसका कलर जो है येलोइश एकदम टेम्पटिंग कर रहा है मेरे टेस्ट बर्ड्स को कि मैं इसे इमीडिएटली खाऊं। बहुत ही बेहतरीन डिश बनाई है शेफ आपने, आपका हाथ जो है बहुत सदावा है ये नज़र आ रहा है।
अब मैं कर रहा हूँ इसकी गार्निश। अब आप देखिए कि येलो कलर है, येलो के साथ में थोड़ा सा रेड हो जाए और साथ में येलो पे येलो की गार्निश बहुत सुंदर दिखेगी। मैं डालता हूँ इसमें थोड़ा सा और ट्विस्ट। मेरे पास फ्रेश धनिया, फ्रेश पुदीना है। साथ में है मेरे पास में मिस्सी रोटी, जो कि मैंने रेस्टोरेंट में शेफ़ को बोल के पहले से बनवा दी थी। तो ताराचंद जी, आपकी रेसिपी तैयार है, मैंने गार्निश कर दी है, मिस्सी रोटी साथ में तैयार है। बहुत सुंदर रेसिपी बनाई है और बहुत ही टेम्पटिंग लग रही है रेसिपी। सर आप चेक करिए इसको, टेस्ट करूँ इसको? इसको टेस्ट कीजिए। अब मैंने तो बना दिया, आपको कैसा लगता है, कैसा टेस्ट आता है वो चेक कीजिए। शेफ़, आपका हाथ जो है काम करते वक्त ही मुझे बता दिया था और मुझे मालूम था कि आपका हाथ बहुत सदावा है और ये ग्रेवी की थिकनेस, इसकी अपीयरेंस बता रही है कि ये चीज़ बहुत अच्छी होगी। बहुत माउथ वाटरिंग ग्रेवी है, मुंह में जाकर के एकदम घुल गई है। और साथ में मिस्सी रोटी जो है उसके साथ में भी मैं टेस्ट कर लेता हूँ। बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन शेफ़ ने बनाया है और ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करिए। ये थी रेसिपी चमन कलियाँ, जो कि बनाई है शेफ़ ने बहुत कम इंग्रेडिएंट से, बहुत ही बढ़िया रेसिपीज। अब लेता हूँ एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद बनाऊँगा एक और नई रेसिपी शेफ़ ताराचंद के साथ में।